Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 3, What is Government, from class 6 civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 3, What is Government, from page number 31. Laws and the government. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow this. This is the only way governments can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly, it has the power to enforce its decisions. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without this laws, the government's powers to make decision is not of much use. तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को इनका पालन करना पड़ता है. तो ये एकमात्र तरीका है जिससे सरकारें कार्य कर सकती है. जिस तरह सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, उसी प्रकार उसके डिसीशंस को लागू करने की भी शक्ति होती है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. जैसे एक कानून है जो ये कहता है कि जो मोटर व्हीकल चलाने वाले सभी व्यक्तियों के पास लाइसेंस होना चाहिए. बिना लाइसेंस के अगर कोई भी इंसान गाड़ी चलाता है और वो पकड़ा जाता है तो उस गाड़ी चलाने वाले को या तो जेल हो सकती है या फिर उसको एक बड़ा सा जो अमाउंट है वो एज अ जुर्माना उसको देना पड़ सकता है. तो इन कानूनों के बिना सरकार के डिसीशन लेने की शक्ति बहुत, आप कह सकते हो, जो काम ही नहीं है. इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. तो सरकारों द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी कार्य के अलावा ऐसे कदम भी हैं जिस जो लोग ले सकते हैं. जैसे यदि उन्हें लगता है कि किसी विशेष कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे आपको दिया है कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि अपने धर्म या जाति के कारण नौकरी के लिए काम पर नहीं रखे जाने पर तो इंसान क्या कर सकता है, जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अदालत में जा सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि कानून का सही पालन नहीं किया जा रहा है. तो इसके बाद जो अदालत है वह अदालत को आदेश देना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर to make decisions and enforce laws. The answer to this question depends on the type of government there is in our country. In a democracy, it is the people who give the government this power. They do this through elections in which they vote for particular persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has no explain its actions and defend its decisions to the people. Another form of government is monarchy. The monarchy, king or queen, has the power to make decisions and run the government. The monarchy may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision-making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. तो सरकार को निर्णय लेने और कानून लागू करने की शक्ति कौन देता है? तो इस सवाल का जवाब सरकार के प्रकार पर निर्भर करता है कि हमारे देश में किस तरह की गवर्नमेंट है. तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार को सत्ता देने वाले जो हैं वो लोग होते हैं, यानी कि
सरकार के पास जो पावर आती है वो किससे के पास आती है, लोगों के थ्रू आती है। तो वे ऐसा चुनावों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार जो है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, तो जिसमें वे या तो विशेष व्यक्तियों को वोट देते हैं और उनका चुनाव करते हैं। एक बार चुने जाने के बाद ये व्यक्ति सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने कार्यों की व्याख्या करनी होती है, मतलब उनको डिटेल जो भी वो बोलते हैं वो चीज़ उनको करनी होती है, और लोगों को अपने फैसलों का बचाव करना होता है। सरकार का एक और रूप है जो है मोनार्की। तो मोनार्की यानी आप इसे बोल सकते हैं राजतंत्र। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सम्राट, सम्राट यानी जो राजा है या फिर रानी, वो निर्णय लेते हैं और सरकार चलाने की उनके पास पावर होती है। राजा के पास ऐसी बातों पर चर्चा करने के लिए लोगों का एक छोटा सा समूह हो सकता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है उसकी जो पावर्स होती है वो सिर्फ सम्राट के पास ही होती है। एक डेमोक्रेटिक के विपरीत, राजा और रानियों को अपने कामों की व्याख्या करने या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट पेज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इन इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। देर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। तो भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। भारतीय लोगों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। दुनिया में ऐसी और भी जगह हैं जहाँ लोगों ने लोकतांत्रिक होने के लिए संघर्ष किया है। अब आप जानते हैं कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता ये है कि जनता अपने नेताओं को चुनने की शक्ति रखती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों द्वारा शासित होता है। मूल विचार ये है कि लोग इन नियमों को बनाने को में भाग लेकर खुद पर शासन करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। दिस डेज अ गवर्नमेंट के नॉट कॉल इट्सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज वॉट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। तो हमारे समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आम तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलते हैं और फिर ये लोग एक सरकार बनाते हैं। तो ये जो प्रतिनिधि है ये संपूर्ण जनसंख्या के लिए निर्णय लेती है। इन दिनों एक सरकार खुद को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वो अनुमति नहीं देती है, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि देश के सभी वयस्कों को, जितने भी लोग एडल्ट हैं, उनको मतदान करने की अनुमति है। नाउ विल सी दिस टेबल। नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वीमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। वीमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वीमेन सफरेज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेज यूजअली मीन्स राइट्स टू वोट। तो दुनिया में कहीं भी अपनी मर्जी से शासन, जो सरकार बनाना है, उसको साझा नहीं किया जाता है। पूरे यूरोप और यूएसए की जो महिलाएं हैं और जो गरीब हैं, उन्होंने मिलकर इसके खिलाफ एक संघर्ष किया था, एक लड़ाई लड़ी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मतदान के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया था।
इस आंदोलन को महिला मत अधिकार आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर मत अधिकार का मतलब वोट देने का अधिकार है। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मेन वेयर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वेयर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्स मेन्स वर्क। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। वैन पीपल सॉ दिस दे बिगेन टू वंडर वट दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन एंड वॉट दे वर्क केपेबल ऑफ डूइंग। सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बींग इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीशंस। तो युद्ध के दौरान कई पुरुष लड़ाई से काफ़ी दूर थे और इस वजह से उन महिलाओं को काम करने के लिए कहा जाता था जिन्हें पहले पुरुषों का काम माना जाता था। तो कई महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यों का आयोजन और उन्होंने उसका मैनेजमेंट शुरू किया। जब लोगों ने ये देखा तो वे आश्चर्य करने लगे कि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतने अनुचित रूढ़ियाँ क्यों बनाई थी, मतलब इतनी अनुचित सोच क्यों बना के रखी थी कि औरतें ऐसा नहीं कर सकती हैं और वे क्या करने में सक्षम हैं। तो इसीलिए महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से सक्षम होने के रूप में देखा जाने लगा। द सफ्रगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड गेट देयर डिमांड्स हर्ड। दे चेंज देमसेल्व्स टू रेलिंग्स इन द पब्लिक प्लेसेस। मैनी सफ्रगेट्स वे इम्प्रिजेंट एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 वाइल वुमेन इन द यूके गॉट द वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मेन सम ईयर्स लेटर इन 1928। तो इन सभी ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की और इनकी मांगों को सुनने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर रैलिंग के लिए खुद को जगाया। कई पीड़ितों को जेल में डाल दिया गया और वे भूखे हड़ताल पर चले गए और उन्हें मजबूरन खाना खिलाया गया। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि यूके में महिलाओं को 1928 में वोट देने का अधिकार मिला। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देर वॉज अ टाइम वेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउ ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। दिस मीन्स दैट वुमेन द पुअर द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दिस फ्यू मैन मेड। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब सरकार ने महिलाओं, गरीबों और जिनके पास कम पैसा है या फिर जो एजुकेटेड नहीं हैं, तो इन सभी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। तो अपने शुरुआती रूपों में सरकार ने न केवल उन पुरुषों को अनुमति दी जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जो शिक्षित नहीं थे, तो ये सब लोग वोट नहीं दे सकते थे। तो इसका मतलब ये था कि महिलाओं, गरीबों और कम संपत्ति और अशिक्षितों को वोट देने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। तो देश को उन कुछ लोगों द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इन इंडिया Before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. तो भारत में आज़ादी से पहले केवल एक छोटे से ग्रुप को वोट देने की अनुमति दी गई थी और वे बहुमत के भाग्य का निर्धारण करने के लिए एक साथ आए थे। तो गांधी जी सहित कई लोग इस प्रथा की अनुचितता पर हैरान थे और उन्होंने मांग की थी कि सभी जो एडल्ट्स हैं उनको वोट देने का अधिकार है। तो इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में जाना जाता है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेट, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टी बाय द स्वेट ऑफ हिज
broad day in the day out should not have a vote for the crime of being a poor man. तो 1931 में जर्नल यंग इंडिया में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं संभवतः इस विचार से वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी को धन है, मतलब जो इंसान धनी है, उसे वोट मिलना चाहिए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास चरित्र है लेकिन वो धनी नहीं है, या फिर उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको वोट नहीं होना चाहिए, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। या यह कि जो आदमी ईमानदारी से अपना दिन और दिन के पसीने से वो काम कर रहा है, तो उससे उस गरीब आदमी को अपराध ये है कि वो गरीब है, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपनी इस यंग इंडिया जर्नल में लिखा था। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा, समझ आया, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।